श्री रणवीर सिंह जी, डीजी हमारे कृषि चौहान जी, प्रशांत जी, उन्नत पंडित जी जो हमसे वर्चुअल से जुड़े हैं कि अभी चले गए, और आए हुए सभी हमारे कृषि विभाग अच्छे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आपका भी आदरणीय भास्कर जी ने बताया कि बहुत आपने इसके लिए बड़ा प्रयास किया, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे सभी हमारे अतिथिगण आए हुए सभी अधिकारीगण, और आज जिनको ये जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, ऐसे आए हुए सभी मेरे उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज आप सबका यहाँ ये मुख्य सेवक सदन में आप सबके पधारने के लिए और आप सबको जो आज जीआई टैग प्रमाण पत्र मिले हैं उसके लिए मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी जो दूरदर्शी सोच है उसी के कारण आज भारत सरकार से उत्तराखंड के 18 उत्पादकों जो भौगोलिक संकेत युक्त आज GIE1 प्रमाण पत्र मिल पाए हैं, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। जैसा आदरणीय खुलवे जी ने यहाँ पर कहा, मैं भारत सरकार के महानियंत्रक प्रोफेसर पी पंडित जी और पद्मश्री हमारे रजनीकांत जी का भी बहुत विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके द्वारा ही समय से प्रमाण पत्र निर्गत करने में जो तत्परता दिखाई गई, मैं इस अवसर पर आदरणीय भास्कर खुलवे जी का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि जिनका शुरू से इसके लिए प्रयास रहा, जैसा आप सब लोगों ने देखा, और आप बड़ी शिद्दत से किसी भी काम में लगे रहते हैं। और एक मैं कहूं कि लगातार एक परिश्रमी जो व्यक्ति होता है बिना आगे आए लगातार चीज़ों को सिद्धि तक जो पहुंचाने का काम करता है, वो काम आपने इसमें किया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब आप लोगों ने अभी सिंगोड़ी और बाल मिठाई का भी नाम लिया, तो जल्दी ही उसको भी जो है हम ऐसी संभावना है कि जल्दी ही उसको भी जो है GI टैग मिल जाएगा। तो अच्छा, नाबार्ड को प्रस्ताव दे दिया है, रजनीकांत जी कह रहे हैं। तो आपके मार्गदर्शन के लिए एवं सहयोग के लिए मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं समझता हूं कि जो आज ये हमारा समारोह हो रहा है, ये तभी संभव हो पाया जब आपने इसमें अत्यधिक प्रयास किया है, आपका मार्गदर्शन मिला है, आपका सहयोग मिला है। मैं जिन उत्पादों को आज GI टैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि 2003 में जब GI कानून से बनने से लेकर 2023 तक के 20 वर्षों के सफर में पहली बार ही होगा मेरे ख्याल से इतना कि क्यों रणवीर जी, आज पहली बार ही होगा कि एक साथ किसी राज्य के 18 उत्पादों को एक साथ GI प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। इस उपलब्धि से उत्तराखंड के जो हमारे पहाड़ी व्यंजन हैं, श्री अन्न हैं, इसके साथ ही कई अन्य वस्तुएं इनसे संबंधित जो हमारे कलाकार हैं उनको भी लाभ होने के साथ साथ दुनिया भर में हमारी जो एक अलग पहचान बनेगी, निश्चित रूप से इसका परिणाम जो है आने वाले समय में हम सबके सामने होगा। हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड की जो हमारी चौलाई है, जंगोरा है, मड़वा है, पिछोड़ा है, रमण मास्क है, इन सब का तेजी से निर्यात बढ़ेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रयास हैं उसको और मजबूती मिलेगी। और जो स्थानीय उत्पाद हैं उनके उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा, और उत्तराखंड के भी सभी जिलों में
स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने एक जनपद दो उत्पाद योजना लागू की है और इसको हम और निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। हमारे राज्य के उत्पादों को और भी जगह मिले और उनको पहचान मिले, उनका विपणन बढ़े, अच्छा उनको बाजार मिले, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और हर प्रयास हम कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों उत्तराखंड की जो मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल में भी हमने फैसला लिया है कि हम अपना एक हिमालय का कोई ऐसा नाम रखेंगे, वो नाम जल्दी ही तय होने वाला है। उस पर भी हाउस ऑफ हिमालय अभी प्रस्तावित किया है और उसको रजिस्टर्ड करने के लिए वहाँ ब्लॉक कर दिया है और जल्दी ही जो है वह भी हमारा धरातल पर आ जाएगा। आज जिस योजना के तहत बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन, रॉ मटेरियल, नई तकनीकी के आधार पर प्रत्येक जिले में जो दो उत्पाद हैं उनको लगातार बढ़ाने का काम हो रहा है और हमारी इस योजना से 13 जिलों में वहाँ के स्थानीय उत्पादों को पहचान कर उनके अनुरूप जो परंपरागत रूप से उन उद्योगों को आगे बढ़ाना भी है जो इन उत्पादों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने का काम करेंगे, उसका विकास करेंगे। एक जनपद दो उत्पाद योजना से हमारे स्थानीय जो कलाकार हैं, काश्तकार हैं, शिल्पकार हैं, जहां एक और उनके लिए स्वरोजगार के विभिन्न अवसर पैदा होंगे, वहीं दूसरी ओर हर जिले के जो हमारे स्थानीय स्तर पर बनने वाले उत्पाद हैं उनको विश्व स्तरीय पहचान भी मिलेगी, हर जगह उनको मान्यता मिलेगी। भाइयों बहनों, विश्व हमारा बाजार है और हमारे उत्पाद दुनिया भर में आज अपनी पैठ बना रहे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, मैं अभी आदरणीय फुलवे जी से पूछ रहा था कि एक तो उत्तराखंड से अब जो भी उत्पाद जा रहे हैं ये तो आज GI मिल गया, ये तो हमारे लिए सोने पर सुहागा हो गया। उसके अतिरिक्त भी आज जिस प्रकार से हम क्वालिटी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, उसकी पैकेजिंग पर ध्यान दे रहे हैं, उसके कारण से हमारे उत्पादों की अब बाजार में अत्यधिक मांग बढ़ रही है और इसको हमें संभाल कर भी रखना है, इस पर अभी हमें विशेष फोकस भी करना है। मैं आप लोगों से आज यह भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमको ये काम भी करना है कि लोग मतलब इतने निश्चिंत हो जाएं कि उत्तराखंड का कोई भी ब्रांड, कोई भी उत्पाद अगर बाजार में आता है तो लोग जो है बहुत ज़्यादा टेस्ट वेस्ट, बहुत ज़्यादा पूछा पाछी करने की जगह ये उनके मन में भाव पैदा हो जाए कि ये तो उत्तराखंड का है, ये तो अच्छा ही होगा। इस प्रकार का भाव बनाने का काम हम सब लोगों को करना है और अगर हम लोग ये काम कर पाएंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि आज दुनिया भर में जो किफायती, टिकाऊ, उपयोगी वस्तुओं की खोज की जा रही है और घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक विशाल बाजार गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की आज प्रतीक्षा कर रहा है। और जिस प्रकार से मैं भी कुछ दुनिया के दूसरे देशों में गया हूँ, जिस प्रकार से आज हमारे अनेकों कार्यक्रम, एक तरफ कोरोना महामारी के बाद जिस प्रकार भारत की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूसरे देशों को वैक्सीन दी, अन्य सहायताएं करी, और अभी अभी जो हमने G20 का जो सम्मेलन पूरे हमारे देश के अंदर भारत की अध्यक्षता में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ, उसके कारण से भी दुनिया के अंदर भारत की शक्ति और सामर्थ्य पूरी दुनिया ने अभी इस समय महसूस की है, दुनिया ने देखी है। और अब पूरी दुनिया के लोग कहीं ना कहीं भारत की ओर एक विश्वास के साथ, उनका एक विश्वास बना है, तो उस विश्वास के रूप में हमारा जो व्यापार है, ये हमारा विपणन है, हमारे उत्पाद हैं, उनको भी तेजी से बाजार मिलेगा और विश्व के लोग उसका इंतजार भी कर रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर ऐसे उत्पाद बन रहे हैं जिनकी गुणवत्ता अच्छी होने के साथ साथ विश्व स्तर पर उनकी प्रशंसा भी हो रही है। हमारे उत्पादकों को उत्पाद की गुणवत्ता पर उतना ही जोर देना है जितना उत्पादन के पैमाने पर। और अब अच्छी बात यह है कि हमको जहाँ GI टैग मिल रहा है, हमें पहचान मिल रही है,
हमें एक मौका मिल रहा है, तो इस मौके को हमें एक बड़े अवसर के रूप में इसका उपयोग करना है। भाइयों बहनों, आज पूरे देश के अंदर कौशल और प्रतिभा का एक ऊर्जा केंद्र है। हमारे स्टार्टअप उद्योग की सफलता हमारे युवाओं को उत्साह को कहीं ना कहीं हमारे सामने प्रदर्शित करती है, हमें दिखाती है। और मैं देख रहा हूँ कि आज जो उत्पाद हमारी माताएं बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी बनाती हैं, वो इतने शानदार होते हैं, इतने क्वालिटी पूर्ण होते हैं, गुणवत्ता पूर्ण होते हैं, कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कई बार ऐसा लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छा उत्पाद बनाने का काम आज हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी हमारी है और हमें इसके सहज कर रखना है। मैंने देखा अल्मोड़ा में जो हवाल बाग में इंक्यूबेटर सेंटर चलता है, एक इंक्यूबेटर सेंटर हमारा यहाँ कोटद्वार में चलता है, एक अल्मोड़ा में हवाल बाग में चलता है। मैं 2021 में और 2022 में लगातार दो कार्यक्रमों में मैं वहाँ गया और पूरे देश से जो लोग हमारे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देते हैं, उनको बाजार उपलब्ध कराते हैं, वो सारे लोग जो स्थानीय स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, जो वहाँ सीखते हैं कि शुरुआती दिनों में अपना काम कैसे शुरू करें, उस सेंटर से जिनको प्रोत्साहन मिलता है, सीखने को मिलता है। मैंने देखा कि एक साल के अंदर, पहले साल जब मैं गया था, मैंने पूछा कि अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के सेंटर में कितने लोगों ने कितना ये धनराशि जो है बैंक से ऋण के रूप में ली है, तो पहले साल 6 करोड़ रुपए थी। और ठीक एक साल बाद में दोबारा गया तो वो धनराशि बढ़कर 21 करोड़ रुपए हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तेजी से ये काम हो रहा है। और इसके कारण से जहाँ वो अपना रोजगार कर रहे हैं, अपने रोजगार के साथ साथ वो अन्य लोगों को भी रोजगार देने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि आज जिस प्रकार से हम अपने स्वरोजगार का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम स्थानीय प्रोडक्ट को आगे लाकर उनके विपणन का काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छी क्वालिटी के रूप में दुनिया के सामने, देश के सामने, बाजार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो आने वाले समय में जो हमारा जो प्लान का जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक लगातार संकट है, हमारे सामने चुनौती है, वो कम होगा। और सरकारी जो हमारे रोजगार हैं, सरकारी जो जिनको हम कहते हैं सरकारी नौकरियाँ, वो एक सीमित हैं। अगर उनको हम सब भर भी रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं काम भी हो रहे हैं, लेकिन केवल सरकारी नौकरियों से ही संपूर्ण काम नहीं चलने वाला है। इस दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। मैं आप इस अवसर पर आप लोगों को बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि आप सारे ही लोग अपने रोजगार के साथ साथ अन्य लोगों को भी आप कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज भारत में जो उत्पाद हम बनाते हैं, तो हमारा उद्देश्य न केवल आज पूरे विश्व की जो मांग है, केवल उस विश्व की मांग को पूरा करना है, बल्कि उसके साथ साथ भारत की जो स्वीकारता है वो वैश्विक स्वीकारता बनाना भी है। अब हमारा मन और हमारा मानसिक इस प्रकार से बनना चाहिए कि अब भारत आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनने जा रहा है। आज जिस प्रकार से भारत की पहचान बढ़ती जा रही है, मैं आपसे सभी से आग्रह करूंगा कि किसी भी उत्पाद या सेवा में, जो मैंने पहले कहा, जीरो इफेक्ट हो, जीरो डिफेक्ट हो, उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये हमारे लिए और हमारे आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है, तभी आपका उत्पाद बाजार में एक जगह बना पाएगा। क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संभावना और सामर्थ्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। वैश्विक कल्याण के एक बड़े उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं। आज देश में प्रतिभा, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का काम हो रहा है, इसलिए आत्मनिर्भर भारत हमारा रास्ता है और यही हमारा संकल्प भी है। इसी से हम सिद्धि तक पहुंचने वाले हैं, इसी से हम प्रसिद्धि तक पहुंचने वाले हैं, इसी से
हमारा जो अमृत काल है जिसमें हमने विकसित भारत का संकल्प लिया है, इसी से हमारा विकसित भारत का संकल्प भी पूरा होने वाला है। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में उत्तराखंड को भी श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछले समय में जो भी समय हमारे सरकार को आप सबके आशीर्वाद से मिला है, हमने उसका एक एक पल, एक एक क्षण राज्य की उन्नति के लिए, राज्य के विकास के लिए, यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित किया है। बहुत सारी चुनौतियाँ भी हमारे सामने रही हैं, बहुत सारे कठिन अवसर भी आए हैं, लेकिन हमने उन सभी चुनौतियों को उनको स्वीकार किया है। उन चुनौतियों को सामने रखकर हम आगे बढ़े हैं। कई बार हमने निर्णायक निर्णय भी लिए हैं, बहुत सारे कामों को आगे भी बढ़ाया है, और भविष्य में भी जो उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उन सभी पर हम निर्णय लेंगे, और उसमें तनिक भी देर नहीं करेंगे जो उत्तराखंड राज्य के हित में होगा, जिससे उत्तराखंड आगे बढ़ता होगा, जिससे उत्तराखंड की सर्वांगीण उन्नति होती होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस संकल्प को आप सभी के सहयोग और समर्थन से कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का हमारा श्रेष्ठ राज्य बने, और सभी का उसमें सहयोग हमको मिलता है। मैं आज भास्कर खुलवे जी का मैं सच बताऊं तो आपके प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा हो गई इस बार। और मैंने जब देखा कि टनल का काम, एक समय ऐसा आया कम से कम 7-8 बार ऐसा हुआ कि अब हमको लगता था कि आज 2-4-5 घंटे में हम जो है टनल के पार हो जाएंगे, या 5-7-10 घंटे में हो जाएंगे, अधिकतम 12-24 घंटे में हो जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते थे, पता नहीं भगवान हम लोगों की कौन सी परीक्षा उस समय ले रहे थे कि कुछ न कुछ ऐसा व्यवधान आ जाता था कि बिल्कुल हम जैसे कोई 100 पर पहुंचता है, 100 पर पहुंचने के बाद एकदम से धड़ाम से 0 पर आ जाता है, यानी पेड़ के ऊपर पहुंच के फिर नीचे गिरता है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। और एक दिन तो क्या हुआ कि जब 48 मीटर पर जाकर जो है मशीन ही टूट गई, अंदर पाइप ही बेंड हो गया, तो वो ऐसी स्थिति थी कि मतलब सचमुच वहां पर काम करने वाले क्या हम सब लोग ये सोच नहीं पा रहे थे कि अब हम करें क्या। और बड़ी चिंता मुझे उनकी हो रही थी जो लोग इतने दिनों से अंदर थे, और मुझे लगा कि जो है कहीं उनका हौसला कम ना हो। मैंने सबको देखा, सबके चेहरों पर आप थोड़ा सा हिम्मत बता रहे थे, अन्य लोग तो बहुत मायूस हो गए। तो मैंने उस दिन फिर कहा, आप बाहर को निकल रहे थे, मैंने कहा मैं अंदर जाता हूँ एक बार। मैं सबसे पहले गया और मैंने उन मजदूर भाइयों से जब वहाँ जाकर मैंने कहा कि बात करता हूँ, और मैंने जब बात करी तो मैं उन मजदूर भाइयों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि वो इतने हिम्मती, इतने साहसी थे कि उन्होंने हमसे कहा कि आप, मैंने जब उनको कहा कि आपको पता है आप लोग तो इसी काम से जुड़े हुए हैं, 48 मीटर पर हम आ गए थे और थोड़ा ये पाइप रुक गया है, आप लगता है कि काम 2-4 दिन बढ़ेगा, 2-4 दिन बढ़ेगा, इसलिए आप लोगों को थोड़ा और धैर्य बना के रखना है। तो जानते हैं वहाँ से क्या आवाज़ आई, उन्होंने कहा नहीं साहब, आप हमारे लोगों की चिंता मत करिए, आप अपना ख्याल रखिए, बाहर का काम संभालिए, अंदर का अगर 5 दिन नहीं 10 दिन भी अगर हमको रहना पड़ेगा तो हम रहेंगे अच्छे से। तो उसने उसने बड़ी हिम्मत बढ़ाई, और फिर हमने मीटिंग करी अंदर आकर, हमने कहा कि नहीं हम काम को करते हैं। फिर ये तय हुआ कि उसको काट काट के पाइप को, आगर मशीन को निकाला, एक एक मीटर काट के निकालना आप जानते हैं कितना कठिन होगा। जो हमारे कटर वाले लोग आए थे, हमारे नीचे खुदाई करने वाले थे, मैं सबका, एक एक व्यक्ति का उसमें लगे हुए धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आप जो है पूरी हिम्मत बांध रहे थे उस समय। तो आपने कहा कि नहीं, मैंने भी कहा भाई सब लोग सामूहिक हमारा काम है, कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है ये, कोई एक व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं ही इसको कर रहा हूँ। मैंने कहा ये हमारा सामूहिक काम है, और हमारे सामूहिक एफर्ट से, कलेक्टिव एफर्ट से जो है ये हमारा पूरा होगा, हमें फिर से जोश से लगना है, और सब जोश से लगे। आप सबकी दुआएं, पूरे देश भर के लोगों की, दुनिया भर के लोगों की दुआएं भी काम आई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको वो सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराई, जिस मशीन की, जिस टेक्नोलॉजी की, जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता थी, वायुयानों से, कभी इंदौर से, हैदराबाद से, भारतवर्ष के अनेक कोनों से इतनी मशीनरी वहाँ आ गई कि
आप अभी देखेंगे तो अभी भी कई किलोमीटर तक जो है वहाँ ट्रक ही ट्रक खड़े होंगे, पता नहीं अब थोड़े चले भी गए होंगे कुछ, लेकिन बड़ी संख्या में। और अगर इतना नहीं हो पाता, एक एक दिन की उन्होंने मॉनिटरिंग करी हमसे, एक एक दिन की जानकारी लेते थे, प्रत्येक दिन फोन करते थे, चुनाव चल रहे थे 5 राज्यों के थी, उसके बाद भी लगातार फोन करते थे, हर दिन फोन करते थे और पूरे विस्तार से जानकारी लेते थे। तो इसके कारण से हमारा संभव हो पाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए एक एक व्यक्ति का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना योगदान दिया, जिसके कारण से हमारे मजदूर भाई फिर हमारे बीच में आ पाए, अपने अपने परिवारों में जा पाए। और जब वो निकले थे तो मैं सच बताऊं कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने आसमान को देखा ऐसे बात में, और आसमान को देखा और मुझे लगा कि अब पता नहीं मेरी आंख से आंसू गिर जाएंगे, इतनी खुशी हुई। और जो 17 दिन बीच में थे वो वास्तव में अत्यधिक कठिन समय था, वो कैसे कटा भगवान की कृपा से, कैसे भगवान ने हम लोगों को सफलता तक पहुंचाया, मैं प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी जो है रास्ता दिखाया। मैं एक बार अंत में आप सभी को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।